अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखिए कराची सैंड का मटेरियल जो हमने सैंपल लगाया हुआ है और वो अभी हटा रहे हैं। ये इसकी मजबूती है, आप देख सकते हैं। ये तकरीबन एक महीने पहले का सैंपल लगा हुआ है और अभी जो हम हटाना चाह रहे थे तो ये नीचे पलिस्तर हट के फिर उसके साथ पलिस्तर भी निकल गया। ये अगर आपको कराची सैंड की मजबूती के बारे में मालूम, जिनको भी चाहिए हो तो ये वीडियो देखें। अच्छे मटेरियल लगाने से फिर ये फ़ायदा होता है कि ये हथौड़ी और बहुत मुश्किल से ये हटते हैं। फदी जीवान तो अलग फदी जीवान बराना और ये काम वो जो सैंपल मैंने आपको बताया उसी मटेरियल से हुआ हो रहा है शुरू है। ये डिज़ाइनिंग भी आप दे सकते हैं और सैंपल वर्क जो नीचे होता है, पहले जो है बेस लगता है वाइट सीमेंट का जिसको नेहरू कहते हैं और फिर उसके बाद सैंपल वर्क होता है जिसकी थिकनेस 5 mm से लेकर 12 mm तक होती है और फिर उसके ऊपर ये जो डिज़ाइन है टिकिया और फिर उसके नीचे बेल है, फिर डायमंड है, फिर टिकिया है। ये आप देख सकते हैं उसी मटेरियल का जो मैंने आपको बताया। ये पूरा हवेली है, जिसे वो